हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों की फाइलम चल रहा है और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे नीट चाहे बोर्ड पेपर, सभी इससे परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप शुरुआत करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इससे क्या फायदा होता है, वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा, और इससे शेयर करें, इससे क्या फायदा होता है, जो आप दोस्त बच्चे बैठे होते हैं उनके पास तो बच्चों ये वीडियो पहुँचता रहेगा। तो जैसा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा चल रहा है और इसमें इसके पहले वीडियो में फाइलम आर्थ्रोपोडा में कुछ लक्षण हुए थे और आज जो होता है बाकी लक्षण शुरुआत करते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर पर जो होता है, इनके शरीर पर दो कंपाउंड आई पाए जाते हैं, माने शरीर पर दो कंपाउंड आई या दो संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं जो है वो, और इनमें क्या होता है एंटनी एंटनी संवेदी अंग होते हैं वो, देह गुहा जननांगों एवं उत्सर्जी अंगों में सीमित रुधिर पात्रों के समेकन से निर्मित बड़ी गुहा जो होती है एक हीमोसील होती है वो। रेस्पिरेशन जो है देह वृक्ष से डिफ्यूजन द्वारा, जलित सदस्यों में ए ब्रिस्लेट्स और अस्थिर सदस्यों में ट्रेकी या बुकलंग्स द्वारा होती है। जैसे बिच्छू में क्या होता है, बिच्छू में बुकलंग होता है और बाकी जंतु में क्या होता है ट्रेकी द्वारा पाए मतलब होता है श्वसन क्रिया होती है। अब होता है नेक्स्ट होता है उत्सर्जन जो होता है प्राय विशिष्ट अंग मैट्रिजियन ट्यूब्यूल्स या सिल्योमोसाइट्स द्वारा होता है, माने उत्सर्जन जो होता है प्राय विशिष्ट अंग मैट्रिजियन ट्यूब्यूल्स या सिल्योमोसाइट्स द्वारा होता है, सिल्योमोटाइट्स द्वारा होता है। अब तंत्रिका तंत्र में सिर में मस्तिष्क सहित तंत्रिका मुद्रा माने नर्वरिंग जो दोहरी तंत्रिका रज्जु से जुड़ी रहती है, तंत्रिका रज्जु पर समकंडी जोड़ीदार गुच्छक लगे होते हैं। नेक्स्ट होता है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और नर व मादा में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लिंग भेद पाया जाता है जो है वो। निषेचन मादा के शरीर में होता है वो, जीवनवृत्त में अनेक शिष्ट प्रावस्था माने लार्वल स्टेज के रूपांतरण से वयस्क का विकास होता है वो। इसके अंतर्गत के चट्टा माने कॉकरोच बिच्छू मधुमक्खी कर्ण खजूरा और केकड़ा ये सब इसके अंतर्गत आते हैं वो। तो अब आता है कि अगला है जिसमें आता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आता है एक पैलियोमान या झींगा मछली, पैलीमान या उसको हम झींगा मछली कहते हैं वो, झींगा मछली जिसका फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है और सब फाइलम जो होता है मैंडिबुलेटा होता है, क्लास इंसेक्टा होता है, सब क्लास टेराकोटा होता है, आर्डर आर्थ्रोप्टेरा, जीनस पैलियोमान, स्पीशीज जो होता है मार्कम सोनाई होता है वो। ये रहा जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो है वो क्लासिफिकेशन हो गया। अब होती यह रातचर स्वच्छ जली अर्थात छोटी नदियों गीली मिट्टी या दलदल मिलते हैं वो, इसे सामान्यतः झींगा या प्राम कहते हैं वो। शरीर जो होता है 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा, सिफेलोथोरेक्स एवं उदर में स्पष्ट भेदित होता है और इनमें सर्विकल ग्रुप द्वारा सिफेलिक और थोरेसिक में जो होता है ये विभाजित होते हैं और सिरोबक्स माने कैरापेस तथा शीर्ष भाग पर पृष्ठवर्म का एक अग्र उपान एक कला दादेदार प्रबंध जो होता है तुंडक रास्तम निकला होता है वो। सिरोबक्स का जो होता है अग्रभाग अपेक्षाकृत चौड़ा होता है और 13 खंडों में 5 खंड जो होता है सिर मिलते हैं और 8 खंड जो होता है वक्ष मिलते हैं, वक्ष के समीकरण से जो होता है निर्मित होता है वो। सिर पर एक जोड़ी सबृत संयुक्त नेत्र माने स्टार्ट कंपाउंड आई और 5 जोड़ी उपांग एक एक जोड़ी जो होता है एंटेन्यूस एंटेनी मैंडिबल्स और 2 जोड़ी जो होती है मैक्सिली होती है, माने एक एक जोड़ी जो होता है एंटेन्यूस एंटेनी मैंडिबल्स और 2 जोड़ी जो होता है मैगजिली होते हैं। अब होता है इसके बाद जो होता है वक्ष उपांग में 3 जोड़ी मैगजिली पीट्स और 5 जोड़ी जो होता है चलनपाद होते हैं, माने इसमें चलनपाद जो होता है 5 जोड़ी पाए जाते हैं वो, और यह इसको लोग बड़े चाव से खाते हैं वो। और आती है प्रथम जोड़ी बड़ी 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 होती है और 3 जोड़ी जो होता है चलनपाद जो होता है चीलेट होते हैं, उसको क्या कहते हैं उसको हम चीलेट लेक कहते हैं जो है वो। अब होती उदर जो होता है उपांग में
छह जोड़ी सिमिलर्स और प्लियोपार्स अंतिम उदर खंड में एक सर्पाकार खंड माने टेल पोर्स और टेलसन स्थित होता है। वो पुच्छ खंड वो अंतिम जोड़ी तरणपाद जो होता है ब्रिम संयुक्त और तैरने के लिए जो होता है वो पैडल्स का मतलब चप्पुओं का या पैडल्स का कार्य करते हैं। वो अब होती है कि एक लिंगी होते हैं नर व मादा में भिन्नता अर्थात सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है वो तथा डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है वो और ये स्वादिष्ट भोजन के रूप में जो होता है उपयोग किए जाते हैं। एक इसके बारे में रहा ये रहा झींगा मछली या उसको क्या कहते हैं पहली मां कहते हैं। अब होता है फाइलम निस्ता है फाइलम मोलस्का फाइलम फाइलम मोलस्का तो कोमल शरीर वाले अल्पारदर्शक लिफाफे नुमा जो होता है आवरण या मेंडल से स्थित जलीय जंतु होते जो है वो इनका सदस्यों का अध्ययन जो है अरस्तु ने किया और इनकी देखभाल जो है वो इसे माने कि इसको जो होता है मलेकोलॉजी या संघ विज्ञान या जो होता है मलेकोलॉजी या इसको कांकोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं माने जो फाइलम मोलस्का वाले होते हैं इनको संघ विज्ञान या मलेकोलॉजी और इसको कहते हैं कांकोलॉजी में जो होता है इसका अध्ययन किया जाता है। कांकोलॉजी में मलेकोलॉजी या कांकोलॉजी में इन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो मोलस्क वास्तव में जो मोलस्क होता है मोलस्का होता है इसकी ओरिजिन मोलस्क हुई है वो और मोलस माने सॉफ्ट होता है बॉडी इसकी जो होती है सॉफ्ट होती है माने कोमल होती है मुलायम होती है वो। अब होती है इसमें क्या होता है नेज होता है कुछ दस्त जो होता है नम भूमि पर ऑल राउंड जली माने तालाबों झीलों व सरताओं तथा अधिकांश समुद्री जो होता है वो और समुद्री जंतु होते हैं। इसमें क्या होता है इनका शरीर कोमल स्लेव से सराबोर व गिलगिला अनसेगमेंटेड टिप्लोब्रेस्टिक और सेगमेंटेड अपेंडिजेस इसमें क्या होता है अभाव होता है वो। अब होती अधिकांश सदस्यों का शरीर जो होता है मूलतः द्विपाद सममित या बायलेटरल सिमेट्री होता है वो किन कुछ सदस्यों में मरोड़ या एडहन के फलस्वरूप जो होता है शरीर क्वाइल्ड या एसिमेट्रिकल हो जाता है वो वासित गुहा अल्पविकसित एवं रिड्यूस होकर के हृदय के चारों ओर हृदय आवरण पेरिकार्डियम और ब्रिक गुहा माने यूरोसील तथा जनन ग्रंथियों की गुहा माने गोनोसील के रूप में होती हैं और अंगों के बीच की गुहा में जो होता है रंगहीन या हेमोसाइलिन के कारण नीला या हरा सा रुधिर होता है अतः यह जो होता है इसे हम हेमोसील कहते हैं वो ये क्या वो कहते हैं इसको हम हेमोसील कहते हैं जो है वो। अब होती स्टेशन जो होता है एक जोड़ी मेटानेफ्रिडिया या किडनी द्वारा होता है वो अधिकांश जो होता है यूनिसेक्सुअल होते हैं किंतु कुछ हर्माफ्रोडाइट और निषेचन वाह या आंतरिक जनन लैंगिक और कुछ सदस्य जो होता है बीजवृत होते हैं परिवर्धन डायरेक्ट होता है और जीवन वृत्त में ट्रोकोफोर लार्वा या बेरिगल लार्वा जो होती है पाई जाती है वो। अब होती इसमें जंत जो होते हैं इसके अंदर पाइला ऑक्टोपस सीपिया और लेमेक्स सीपी या लेमरेडेंस माने पाइला ऑक्टोपस सीपिया लेमेक्स सीपी या लेमरेडेंस होता है ये सब जंत इसके अंतर्गत आते हैं वो। अब होती है नेक्स्ट होता है पाइला तो पाइला की बात करते हैं पाइला तो ये हो गया इसका एपेक्स ऑफ सेल हो गया माने ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं एपेक्स ऑफ सेल कहते हैं। अब होता है इसका फाइलम मोलस्का होता है क्लास बाइवेल्विया और सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया ऑर्डर मेगास्ट्रोपोरा और जीनस पाइला स्पेसीज जो होता है ग्लोबोसा होता है वो।
अब होती है कि इसमें क्या होता है, पाइला जो होता है एम्फीबियस होता है, वो एम्फीबियस शाकाहारी और प्राय इसको एपिल, इसको हम एपिल स्नेल कहते हैं, इसे जो होता है हम एपिल स्नेल कहते हैं जो है वो। पाइला का शरीर ऐठन प्राण जो होता है कुंडलित माने स्पाइरलिक्वाइड असममित कवच सेल में स्वस्थ रहता है वो। कवच का एक और बड़ा हुआ चौड़ा अंडाकार सा मुख स्थित होता है और जो चपटे ढक्कन आपरकुलम से ढका होता है और इसमें एक मजबूत मांसल पाद माने फूट जुड़ा रहता है वो। पाइला का शरीर सिर पाद व अंतरांग पिंड माने विश्व मास में विभेदित होता है और मुख गुहा में तंत्र दृढ़ होते हैं। सिर पर एक जुड़े स्पर्शक व एक जुड़े नेत्र डंडलों पर नेत्र स्थित होता है। एक लिंगी लिंग भेद स्पष्ट भ्रूणी परिवर्तन बाहर और अधिक सर्दी में सिद्ध स्थिता में जो होता है ये रहता है। ये रहा किसके बारे में, ये रहा पाइला के बारे में जो है वो। इसका एपेक्स ऑब्सेल हो गया माने कि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है एक कैल्शियम कार्बोनेट मैट्रिक्स बनी होती है जिसमें किसके अंदर जीव जो होता है रहता है वो। नेक्स्ट आता है संघ इकानोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा दो भागों में बांटते हैं वो, इकाइनास प्लस डर्मा। इकाइनास माने होता है कांटे होते हैं, डर्मा माने स्किन होता है, माने स्किन पर इसमें जो होता है बहुत सारे कांटे पाए इसलिए इसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। माने इकाइनास प्लस डर्मा। बच्चों इतना पर्याप्त के लिए सुधाई करना, बहुत धन्यवाद।